हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं लिली कल्टीवेशन यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। तो लिली हमारे बिलोंग करती है लिलियम जीनस से। इसकी कई सारी स्पीशीज़ होती है, इसलिए मैंने लिलियम जीनस लिखा है और फैमिली लिलियेसी से बिलोंग करती है। ठीक, हमारे पास कई सारे वेराइटीज़ हैं हाइड्रोपोनिक्स लिली को कल्टिवेट करने के लिए। हम सारी वेराइटीज़ नहीं कल्टिवेट कर सकते, बट कुछ वेराइटीज़ हैं जिनको हम हाइड्रोपोनिक्स में कल्टिवेट कर सकते हैं, जैसे एशियाटिक लिलीज़, मार्टेगोल लिलीज, टाइगर लिलीज, रूपरम लिलीज, ओरिएंटल लिलीज, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईस्टर लिलीज। ईस्टर लिलीज का यील्ड सबसे ज़्यादा होता है और सबसे बढ़िया से ग्रो करता है हाइड्रोपोनिक्स में। अब नेक्स्ट है लिली का प्रोपोगेशन और हाइड्रोपोनिक्स मीडियम देख लेते हैं हम। तो लिली का प्रोपोगेशन हम लिली बल्ब्स के द्वारा करते हैं। बल्ब क्या होता है? बल्ब लिली का ही नहीं, अगर किसी भी प्लांट का देखा तो एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट का न्यूट्रिएंट सोर्स उसमें रहता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो कर पाता है। तो हमारा लिली का भी जो बल्ब होता है वो एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे लिली प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एक तो या तो हम पूरा लिली का जो बल्ब है उसको हाइड्रोपोनिक सिस्टम में डाल दें, या फिर लिली का कुछ बल्ब है उसका फ्लैशी सेक्शन होती है, उसमें कुछ फ्लैशी पार्ट होता है जिसे हम लिली स्केल कहते हैं, तो सिर्फ हम उसको भी लगा देंगे तो हमारा लिली प्लांट ग्रो कर जाएगा हाइड्रोपोनिक सिस्टम में। ठीक, ये दो मेथड है। तो हाइड्रोपोनिक्स लिली आर प्रोपोगेटेड यूजिंग बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड बल्ब्स। बल्ब्स और लिली कैन बी प्लांटेड इन स्टार्टिंग विंटर एंड ऑल्सो इन ऑटमन। इस सीजन बता रहे हैं कि हम लिली का बल्ब हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ना ऑटमन में कर सकते हैं, या फिर शुरुआती विंटर में जब बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम शुरुआती विंटर में कल्टिवेट करते हैं तो हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। ठीक, द बल्ब सोन इन विंटर बेनिफिट टू प्रोड्यूस बिग फ्लावर्स। अनदर मेथड इज़ टू प्रोपोगेट फ्रॉम बल्ब स्केल, जो फ्लैश पार्ट होता है बल्ब का, दैट इज फ्लैशी सेक्शन ऑफ मेन बल्ब। द बल्ब्स नीड टू बी कोल्ड प्री हीटेड फॉर अबाउट 6 to 8 weeks। और जो बल्ब होता है अगर आज हम कल्टिवेशन करने वाले हैं, उसका मतलब उसको हाइड्रोपोनिक सिस्टम या ग्रोथ मीडियम में डालने वाले हैं, तो आज से 1-1.5 महीने पहले, 6-8 हफ्ते पहले हम उसको कोल्ड प्री हीट करेंगे, उसको ठंडा कुछ ऐसे सिस्टम में डालेंगे जिसकी वजह से बिल्कुल ठंडा रहे, कोल्ड रहे। अब हमारा है नेक्स्ट हाइड्रोपोनिक सिस्टम फॉर लिली कल्टिवेशन। हाइड्रोपोनिक सिस्टम किसके लिए है, इसके लिए क्या क्या आपको, अगर इसके पहले की सीरीज़ देखी है इसकी, तो पता होगा कि हमारा हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन जो भी होता है, हम किसी भी प्लांट का हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो एक जो बेसिक प्रोसेस ये होता है कि पहले हम कुछ भी ले रहे हैं, सीड ले रहे हैं, सीडलिंग ले रहे हैं, बल्ब ले रहे हैं, तो उसे ग्रोथ मीडियम में हम ग्रो करते हैं। ठीक, ग्रोथ मीडियम ग्रो करते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर रूट्स वगैरह आ जाती है, प्लांट लीव्स आ जाती है। उसके बाद जब वो लिप्स आ जाती है तो ग्रोथ मीडियम से निकाल के हमारे पास कई सारी हाइड्रोपोनिक सिस्टम होती हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्या होता है? उसमें पानी होता है और पानी में न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और हमारा प्लांट ग्रो करता है। ठीक, तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम को लिली कल्टिवेशन में हम देखते हैं NFT, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक एंड एब एंड फ्लो मेथड्स आर गुड ऑप्शन टू डिलीवर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इंटरमिटेंटली। NFT जो न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक और एब एंड फ्लो मेथड्स हैं, इनके बारे में हमने बात की है। इन दोनों मेथड हमारे बहुत अच्छे मेथड हैं लिली के प्लांटेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए। क्या होता है NFT में कि एक थिन शीट होती है, मान लीजिए कोई कंटेनर है, बहुत पतली सी लेयर होती है उसमें, और उसमें हम अपना पानी डाल देते हैं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल देते हैं, और एक ऊपर से कुछ कवर लगा देंगे जिसकी वजह, और हमारा रूट्स उसमें हैंग करेगा और प्लांट ग्रो करेगा। एब एंड फ्लो मेथड में भी ऐसा ही सिस्टम होता है, हम इस ट्रे में पानी भर देते हैं और उसको एक कंटेनर के ऊपर रख देते हैं, रूट्स नीचे रहती हैं और पानी के कांटेक्ट में रहती हैं, पानी जैसे जैसे ओवरफ्लो होता है, मतलब ओवरफ्लो नहीं, मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है, रूट्स को न्यूट्रिएंट मिलती रहती हैं और वो ग्रो करती रहती है। ठीक, ग्रो मीडियम कंटेनिंग, ग्रो मीडियम जिसमें हम पहले अपने बल्ब को डालेंगे, ग्रो मीडियम में क्या क्या होता है? कोकोनट बार्क होता है, कोकोनट कॉयर होता है, परलाइट, वर्मिक्यूलेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सब क्या होती हैं? हमारी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है, रूट्स को बनाती हैं, बांधे रखती हैं। ठीक, ग्रो मीडियम कंटेनिंग कोर्सर ग्रेड्स ऑफ कंपोस्टेड बार्क, कोकोनट कॉयर, परलाइट एंड वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गिव्स गुड रिजल्ट। ड्यूरिंग द बड डेवलपमेंट स्टेज अ सुटेबल लिली हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट शुड कंटेन फॉलोइंग एलिमेंट्स। अच्छा, हमने ग्रो मीडियम में डाला, इसको ग्रो करवा दिया, उसमें रूट्स आ गई, लिप्स आ गई, तो हमने उसको हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर कुछ महीनों बाद
जब हमारा प्लांट बड़ा हो गया, उसमें फ्लावर्स आने लगे, तो जब फ्लावर आने लगे उसमें जब बड डेवलपमेंट स्टेज आता है, तो हमें हाइड्रोपोनिक सिस्टम में कुछ बातों का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं स्पेशली, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 227 ppm इसका कंसंट्रेशन है, इतना होना चाहिए पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, ये सारी चीज़ें हमें स्पेशल मात्रा में इनका ध्यान रखना पड़ता है बड डेवलपमेंट स्टेज के टाइम। ऐसे भी हमारे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में चीज़ें मौजूद होती हैं और सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन बड डेवलप जब होने लगता है, जब उसमें प्लांट आने लगेंगे, तो हमें ये सारी चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को हमें डालना पड़ता है। ठीक, अब टेम्परेचर की अगर बात करें, तो हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए हाइड्रोपोनिक सिस्टम में, या जिस क्लाइमेट में हम इसको ग्रो करवा रहे हैं जिस जगह पे, तो ये तो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में पड़ रहा है, लेकिन ये हमारी लिली की वैरायटी पे डिपेंड करती है। ठीक, हमारी लिली की कौन सी वैरायटी यूज़ कर रहे हैं, वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, उसे कैसा वैरायटी चाहिए, हम उसके बारे में पहले ये पता करेंगे और उसके हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, क्योंकि एक टेम्परेचर पे सारी वैरायटीज नहीं ग्रो करती हैं। ठीक, लाइट की अगर बात करें, तो लिली नीड रीजनेबली हाई लाइट लेवल। लिली को लाइट लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब एक काफ़ी मात्रा में लाइट चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है। अगर सनलाइट नहीं है तो हम आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ करते हैं, और लाइट वो भी स्पेशली रात में, रात में इंटरप्ट ना हो इसलिए। देखिए, जब तक दिन है तो सूरज की रोशनी तो प्लांट को मिलती रहेगी, लेकिन लिलीज को चूँकि बहुत हाई मात्रा में लाइट की ज़रूरत होती है, तो हमें ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ता है कि रात में भी उसको लाइट मिलती रहे, तो हम अल्टरनेटिव सोर्स यूज़ करते हैं लाइट का, और इसकी वजह से हमारा फ्लावर का रेट बिल्कुल बढ़िया रहता है, ग्रो करता रहता है। ठीक, लिली नीड रीजनेबली हाई लाइट लेवल्स। यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लाइटिंग टू प्रोवाइड नाइट इंटरप्शन विल इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लावर प्रोडक्शन। टाइम टू फ्लावरिंग इन मेनी बर्ड्स इज 90 to 120 days। इसमें हार्वेस्टिंग कब होती है, फ्लावरिंग कब होती है, मतलब फ्लावरिंग 95 से 120 दिनों में आ जाती है, जब हमने प्लांट लगाया। मान लीजिए आज हमने प्लांट लगाया, तो आज लगाया मतलब हाइड्रोपोनिक सिस्टम में आज हमने ट्रांसफ़र किया, उस पर क्या होगा, आज से 95 से 120 दिनों बाद लिली प्लांट में फ्लावर आने लगते हैं और हम हार्वेस्ट कर देते हैं। लिली आर हार्वेस्टेड एज सून एज मोस्ट एडवांस बर्ड हैज़ डेवलप कलर। और कब हार्वेस्ट करते हैं, जो मोस्ट एडवांस बर्ड मतलब जो पूरी तरह से फ्लावर बन चुका है और उसमें बढ़िया कलर आ चुका है, तो हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, उस फ्लावर को तोड़ देंगे, और जिस यूज़ के लिए हमने रखा है मार्केट में भेजना है तो भेज देंगे। ठीक, तो ये हमारा लिली कल्टिवेशन हो गया आज का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।